हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होगे। गाइस मैं हूं सनीताज प्रिया एंड स्वागत है आप सभी का डेमन किंग यूट्यूब चैनल की एक धमाकेदार वीडियो में। ओके, तो बॉक्स विड्रॉ का स्टेटमेंट आ चुका है। आखिर किसने किया था हमारे स्टोरेज का डेटा रिमूव, सारा कुछ प्रूफ के साथ यहाँ पर डेवलपर ने एक्सप्लेन किया है। तो पूरा वीडियो देखो, वीडियो को स्किप मत करो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं डेवलपर यहाँ पर, सुनो गाइस। सबसे पहले मैं 404 नहीं हूँ, मैं 404 के साथ उसी नौकरी और उसी संगठन में काम करता हूँ और मैं उसके साथ एमुलेटर बॉक्स विड्रॉ पर काम करता हूँ। चार दिन पहले सभी ने 404 के गायब होने का गवाह बना, क्योंकि वह बिना सोए या आराम किए एमुलेटर पर अपनी कड़ी मेहनत के कारण न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित है, ताकि लगातार अपडेट का अनुरोध कर सके। 404 पर वहां के कुछ अरब लोगों ने भरोसा किया था, जैसे कि अली नाम का एक व्यक्ति, सोल्जर नाम का एक व्यक्ति और अमजद नाम का एक व्यक्ति, और उन्हें एडमिन बना दिया। अली ने 404 के गायब होने का फायदा उठाया और चैनल और एमुलेटर को नष्ट करने के लिए अमजद और सोल्जर के साथ मिलकर कुछ ह्यूगो एजेंटों के साथ गठबंधन किया। उनमें से तीन में से एक ह्यूगो के क्लाइंट ने 404 के गिटहब अकाउंट को हैक किया और बॉक्स विड्रॉ एमुलेटर को चलाने के लिए कोड को बदल दिया। यह एक तस्वीर है जिसे हाल ही में एक गद्दार ने इकट्ठा किया था, जब वह बॉक्स विड्रॉ ऑनप्रेटिंग फाइल को संशोधित कर रहा था। आप देख सकते हैं कि कोड को नैनो कमांड का उपयोग करके छवि में दिखाए अनुसार संशोधित किया गया है। उसके बाद यह फाइल, जिसे सभी फाइलों को हटाने के लिए संशोधित किया गया था, हैक किए गए गिटहब खाते पर प्रकाशित की गई थी और फिर 404 और 301 और 202 के बारे में अफवाहें फैली और कहा गया कि वे जानकारी चुरा रहे थे और इसी तरह की अन्य बातें। कल मैं वापस लौटा तो पाया कि अमजद, अली और सोल्जर बॉक्स विड्रॉ चैनल को हटा रहे थे और सब कुछ नष्ट कर रहे थे और हर कोई शिकायत करता है। जब तक समस्या ठीक नहीं हो गई और खाते की जानकारी बदल नहीं दी गई, तब तक कोई भी इसके साथ वापस नहीं आया और बॉक्स विड्रॉ के लिए एक नया चैनल बनाया गया। और अब इस समय कोई व्यक्ति इस टेलीग्राम खाते में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसे हैक कर सके और चैनल को फिर से बंद कर सके या कुछ ऐसा ही कर सके। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास वे फाइलें नहीं हैं जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए हटाई गई थीं, और हमने ऐसा नहीं किया जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले सबूतों के साथ दिखाया। और अली, अलिच, अमजद, सोल्जर और ह्यूगो के एजेंट और समर्थक ही वे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि फाइलें हटा दी गईं, क्योंकि वे चोरी नहीं हुई थीं, क्योंकि संशोधित कोड में कोई विलोपन कोड नहीं था, इसलिए ह्यूगो, अली, अमजद और सोल्जर के पास फाइलें नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि बॉक्स विड्रॉ इस सप्ताह वापस आएगा, पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर, और इसे YouTube पर प्रकाशित किया जाएगा और प्रचारित किया जाएगा। हम अपने किसी भी उपयोगकर्ता को निराश नहीं करेंगे। एजेंट S47A17, धन्यवाद डेमन किंग। तो सुना गाइस डेवलपर क्या कह रहे हैं। तो कुछ दो तीन बंदे थे, उन्होंने ये हरकत की थी, तो उन्होंने इनके गेटअप को और ये एमुलेटर को हैक कर लिया था, तो उन्होंने ये हरकत की थी। इन्होंने ये भी बताया कि फ़ोन के स्टोरेज का डाटा हमारा रिमूव हुआ था, वो डेवलपर के पास भी नहीं है और हैकर के पास भी नहीं है, वो रिमूव हो गया है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हमारा डाटा चोरी नहीं हुआ है, बस रिमूव हो गया है।